हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल से सिर्फ 7 से 8 दिनों में हम अपना 4000 हॉर्स का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 7 से 8 दिनों में 4000 हॉर्स का वॉच टाइम खुद के मोबाइल से कैसे कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद हमें अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्च करना है सिक्योर वीपीएन करके। देखो इसके यूजर्स देख लो आप, 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोडर्स हैं और 4.7 का रेटिंग है। मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है, इसलिए ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ अपने मोबाइल से सिर्फ 7 से 8 दिनों में हमारा 4000 हर्ट्ज का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर लिया तो आपका 4000 हर्ट्ज का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ये जो सिक्योर वीपीएन वाला है, इसको ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर दूंगा, ओपन कर लो, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, पहले मेरा कनेक्ट था तो ठीक है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे कनेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर भी शो होगा कि वीपीएन कनेक्ट हो गया करके, ठीक है। फिर हम चलेंगे बैक, बैक चले जाएंगे हम। वीपीएन हमेशा कनेक्ट ही रहना चाहिए और हमारे चैनल पे कम से कम 1 हॉर्स वाली वीडियो अपलोड होनी चाहिए। 1 हॉर्स वाली वीडियो अपलोड होंगी तो वॉच टाइम कंप्लीट करने में आसानी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो अपना चैनल है उसकी लिंक ले लेना, मेरा चैनल है जीनियस 1235, उसको मैं सर्च करता हूँ। एक मिनट, नेट स्लो है, हो जाए भाई। यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ये देखिए मेरा 1 आवर के आसपास वाला ये वीडियो है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इसकी लिंक कॉपी कर लो आप, मैंने कर ली, ठीक। फिर हम चलेंगे बैक, तो आपको जो भी वीडियो है आपकी उसकी लिंक कॉपी करना है 1 आवर वाली वीडियो की। और यहाँ हम चलेंगे गूगल क्रोम पर, देखो गूगल क्रोम ओपन होगा। यहाँ पे तो सब, पहले मैं सभी टैब को डिलीट कर देता हूँ, न्यू टैब। और यहाँ पे आना है अपने को, जो भी हिस्ट्री है हमारी पुरानी वाली उस सभी को डिलीट कर लो। क्लियर ब्राउजिंग डाटा ऑल टाइम वाला सिलेक्ट करो, सबको क्लियर कर दो। हाँ हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेना, डेस्कटॉप साइट हमेशा ही ओपन रहना चाहिए, ठीक है। डेस्कटॉप साइट हमेशा ओपन कर लो। और यहाँ पे हमें सर्च करना है यूज सिंक डॉट नेट, ठीक है। देख लो यूज सिंक डॉट नेट सर्च करना है, कर लिया, ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पे प्लस वाला साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और जो भी हमने जो लिंक वीडियो की जो लिंक है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं 8-9 बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आप जितने चाहें ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, ठीक है। ब्राउज़र यानी मल्टीपल टैब है ये, तो आप कम से कम 30-40 टैब आसानी से ओपन कर लो। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तो उसके हिसाब से आप लगा लेना, कम से कम 30-40 तो कर ही लेंगे आपका मोबाइल सपोर्ट। एक बार चेक कर लेना कितना सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ डेमो के लिए 8-9 ही ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ 6 हो गए, ये 7 हैं और ये 8, ठीक, 8 हो गए। एक बार चेक कर ले, डेस्कटॉप साइट ऑन है, ये ऑन ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ज़्यादा झूम हो गया शायद, देखिए सभी वीडियो के एक बार आने देना है, नेट स्लो होने की वजह से वो वैसे ही शो हो रहा है। ठीक है, सभी वीडियो आ जाएंगी आपकी, यहाँ आ गई। तो
तो उसके बाद यह वीडियो शेयर ऑडियो वाला ऑप्शन है, वीडियो शेयर ऑडियो, इस पर एक बार क्लिक करना है और फिर एक बार क्लिक करके इसको बंद कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेप थ्री व्यू सिंक वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। नीचे लिंक आ जाएंगी, इस लिंक को देखिए बराबर कॉपी करना है। तो यहाँ पे जो व्हाट लिखा है इस पर क्लिक करो एक बार, और ये जो है इसको ऐसा ऊपर, इसको ऐसा ऊपर कर लो यहाँ तक, और इस लिंक को कॉपी कर लो, ठीक है। फिर आना है यहाँ पर, दूसरा टैब ओपन करना है, न्यू टैब वाले पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे हमें लिंक कॉपी करनी है, ठीक है। और जो अभी लिंक कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख कर आएगा viewsync.net और ये लिंक वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसको हमें सर्च करना है, ठीक है। देखिए सर्च हो रहा है, ये सभी वीडियो के एक बार पूरा आने देना है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आठ ही, हाँ आठ ही टैब, मल्टीपल टैब ओपन किया। आप कम से कम 30-40 कर लीजिएगा, आपका जितना मोबाइल सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार आके डेस्कटॉप साइट, ठीक है, डेस्कटॉप साइट इस पर भी हमेशा ऑन रहनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा। सभी वीडियो को आने देना है, जितने भी आपने टैब लगाई होंगे। और यहाँ पे देखें, इसको झूम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है क्लिक ईच वीडियो टू स्टार्ट बफरिंग। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने जो वॉल्यूम है उसको है ना पूरा बंद कर दीजिएगा, और सभी वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके प्ले कर दो, प्ले कर दो, सभी वीडियो को प्ले कर दो। और जैसे ये सभी वीडियो एक बार चालू हो के फिर से बंद हो जाएंगे, देखना क्लोज हो जाएंगे सभी वीडियो का प्ले बटन क्लोज है। तो यहाँ पे एक बार जूम करके ये जो रीसिंक वाला है सेटिंग के बाजू में, इस पर एक बार क्लिक करना है, इस पर रीसिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पे जो प्ले बटन दिख रहा है इस पर एक बार प्ले कर दीजिए। यहाँ से नहीं होगा तो ऊपर वाला प्ले पे आ जाएगा, यहाँ से प्ले कर दो, ये सभी प्ले हो जाएंगे। आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाकर चेक कर सकते हो, सभी वीडियो प्ले हो जाएंगे। और वॉल्यूम हमेशा डाउन रख दीजिएगा, इससे आवाज़ नहीं आएंगे और आपकी बैटरी भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। देख लिए, और इसको पूरा बार बार करते रहो, दिन में कम से कम 10 ओवर 15 ओवर, जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं फिर से ये प्रोसेस रिपीट करते रहो। देखिए दोस्तों, वॉच टाइम तो हमेशा वॉच टाइम है ना, रियल वाला भी वॉच टाइम कम हो घट ही जाता है, ये तो हम खुद मैन्युअली बढ़ा रहे हैं तो ये भी घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप है ना कंटिन्यू दिन में 10-15 आवर्स वीडियो को चलाते रहो, और एक मोबाइल से नहीं। अगर आपके पास और भी जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे सभी मोबाइल से इस वीडियो को ऐसे ही चलाओ, ठीक है, ठीक है। या 2-3 मिनट मैं होने देता हूँ, क्योंकि मैं आपको YT स्टूडियो में दिखाऊंगा कितने व्यूज़ आए और कितना वॉच टाइम मिला है, ठीक है। थोड़ा हो गया होगा शायद 1-2 मिनट, तो हम चलेंगे YT स्टूडियो में, 1 मिनट। किधर है यार YT स्टूडियो ओपन? हो गया, यहाँ पर जो वीडियो वाला ऑप्शन है वो मेरा लाइव वीडियो वाला था, इसलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे दिखाऊंगा मैं कितने व्यूज़ मिले करके, ये एनालिटिक्स पे चलेंगे। देखिए रियल टाइम व्यूज लास्ट 60 मिनट में, देखिए यहाँ पे 8 व्यूज आ गए हैं, ठीक है। हमने 8 टैब चलाए थे, और वॉच टाइम भी चेक करेंगे लास्ट
60 मिनट का। यहाँ पे बहुत कम चलाई इसलिए बहुत कम शो हो रहा है। किधर गया? यहाँ पे 0.03 बता रहा है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो को 1 मिनट से भी कम प्ले किया है इसलिए वॉच टाइम बहुत कम शो हो रहा है। आप अपनी 5 मिनट वाली वीडियो पे ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को कम से कम 5 मिनट प्ले करें। आपको 5 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा। दोस्तों इस ट्रिक से आपको 80 से 90% रियल वॉच टाइम डेली मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ। समझ लीजिए अपना वीडियो 1 आवर का है और हमने 40 स्टेप से चला लिया, तो 1 आवर में अपने को कितना वॉच टाइम मिल रहा है? 40 आवर। अगर हम दिन में 15 आवर चलाते हैं तो कितना वॉच टाइम मिल रहा है? एक दिन में 600 आवर्स मिल रहा है, 600 आवर्स एक दिन में मिल रहा है। और अपने को कंप्लीट कितना करना है? 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। 4000 / 600 तो कितने दिन में हो रहा है भाई? 6.6 यानी मान लो लगभग 7-8 दिन में आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम सिर्फ 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और वो भी खुद के मोबाइल से। सिर्फ आपके पास अनलिमिटेड नेट होना चाहिए, बस अनलिमिटेड नेट रहो और वीडियो को चलाते रहो उसी ट्रिक से चलाते रहो, ठीक है? और आपको वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। घर में 2-3 मोबाइल है तो सभी मोबाइल से चला लो, ट्राई करके देख लो, और इससे चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखो चैनल पे इफेक्ट पड़ने वाला होता तो मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो से ही मुझे मेरे चैनल पे इफेक्ट गिरता। अगर आपको लगता है कि इस ट्रिक से अगर आपके चैनल पे इफेक्ट गिरेगा तो आप मेरे किसी भी वीडियो का लिंक लेकर ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।